अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मगफिरतुहु। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट इंग्लिश 2, ग्रामर लैंड। एंड टुडे फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस? ओके, सो लेट्स लर्न द फ्रेजेस एंड क्लोजेस कॉन्सेप्ट। लेट अस रिवाइज सेंटेंसेस एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर टू मेक मीनिंग्स। ओके, सो फर्स्ट इज, यहाँ पर हमें पिरामिड दिया हुआ है। ओके, एंड थ्रू द पिरामिड वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रेज। ओके, सो वर्ड गर्ल, फ्रेज द चीयरफुल गर्ल, क्लोज द चीयरफुल गर्ल क्लैब, सिंपल सेंटेंस द चीयरफुल गर्ल क्लैब लाउडली, एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द चीयरफुल गर्ल हु वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी क्लैब लाउडली। ओके, देर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेज, इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सो फर्स्ट इज द वर्ड। ओके, सिंपली वर्ड है जिसको, जो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर गर्ल दिया हुआ है, वो वर्ड है, वो कुछ भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड देन फ्रेज, फ्रेज इज अ वन काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर मीनिंगफुल टू अस। ओके, एंड क्लोज, क्लोज द चीयरफुल गर्ल क्लैब। इन क्लोज वी ऑल्सो एडेड द वर्ब और प्रेडिकेट इन द फ्रेज, एंड थ्रू द एडिंग द वर्ब फ्रेज मेक्स क्लोज। एंड देन कम टू द सिंपल सेंटेंसेज, वी ऑल्सो कॉल्ड इट स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस, एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी पुट कंजंक्शंस, ओके, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, व्हाटएवर। ओके, सो व्हाट इज द फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट कन्वे अ शॉर्ट सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो एक ग्रुप है, या टू और उससे ज़्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो बहुत शॉर्ट मैसेज हमें कन्वे करता है। अ फ्रेज हैज मोर मीन सम मीनिंग बट डज नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट। ओके, एक सिंपल मैसेज कन्वे करेगा, सिंगल शॉर्ट मैसेज। ओके, इट्स नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस लाइक अ सेंटेंस। ओके, अ फ्रेज हैज सम मीनिंग बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। एक पूरी थॉट या आइडिया जिस तरीके से सेंटेंस हमें जो कन्वे करता है उस तरीके का कन्वे नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ फ्रेजेस। द चीयरफुल गर्ल, द जिंजर कैट, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रोफाउंडली टैलेंटेड, बाय द रिवर, ऑन द हाईवे, वेरी डीप, गिव अवे, ऑल ऑफ अ सडन। मोस्ट ऑफ इट्स स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन, बराबर, ज़्यादातर ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, और कोई भी एडजेक्टिव और नाउन से ये कंप्लीट कर दिया जाता है। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब अरेंजमेंट। ओके, देर इज नो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सिस्टम इन फ्रेज। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है वो सेवन्थ में हम सीख गए। ओके, एंड इज यूजली अ पार्ट ऑफ अ क्लोज और अ सेंटेंस वैन वी राइट। एंड देखिए, फ्रेज एक वर्ड है, वर्ड के बाद हमने फ्रेज थोड़ा उसके अंदर ऐड किया, वो फ्रेज हो गया। फ्रेज के बाद थोड़ा ऐड किया, क्लोज हो गया। क्लोज के बाद थोड़ा ऐड किया वर्ड, तो क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंस, विच मेक अस टू कंप्लीट सेंस। ओके, बट फ्रेज जो है वो क्या है, वो एक क्लोज का या एक सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे, आर द अंडरलाइन वर्ड फ्रेजेज टीक और क्रॉस। ओके, वी लीव इन द हाउस ऑपोजिट द पार्क। हाउस ऑपोजिट, इट्स नॉट मेक अ एनी सेंस। सो हियर हाउस एंड ऑपोजिट इज नॉट अ फ्रेज। ओके, द सेकेंड वन इज, माई सिस्टर इज द गर्ल इन द पिंक सलवार कमीज। सो इन द गर्ल इन द पिंक सलवार कमीज। सो पर्टिक्युलरली वी इंडिकेट द गर्ल who wear the pink सलवार कमीज। सो यहाँ पर फ्रेज है। ओके, थर्ड वन इज, दे वॉन्टेड टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव बियॉन्ड द माउंटेन। अ लॉन्ग ड्राइव बियॉन्ड द माउंटेन्स, कैसी लॉन्ग ड्राइव चाहिए जो माउंटेन से आगे हो, बियॉन्ड द माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स को भी पीछे छोड़ दें। ओके, टू गर्ल लॉरीज ब्लॉक द रोड अहेड ऑफ अस। टू बिग लॉरीज, ओके, सो यहाँ पर दो बड़ी लोरीज की बात की गई है। ओके, सो यहाँ पर कुछ कन्वे हो रहा है मैसेज, आई एडमायर द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ अवर बिल्डिंग। ओके, सो एडमायर द, इट्स नॉट अ कंप्लीट फ्रेज और नॉट मेक एनी सेंस। ओके, बट अगर इसकी जगह पर ये होता द टॉप ऑफ अवर बिल्डिंग, सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अवर बिल्डिंग, सो इट्स वी कॉल्ड इट्स फ्रेज। ओके,
Everyone has to sell tickets for the play. So for the play, बराबर play यहाँ पर कौन सा play? Drama के लिए बात की गई है. They will be attending a wedding at the church tonight. Will be attending. Okay, attend करने वाले हैं. कुछ भी information convey हो रहा है. Okay. So she show a large flock of migrating geese. Okay, यहाँ पर कोई phrase का concept भी नहीं, because के मैंने definition में आपको बताया कि phrase किसे बोलेंगे, two or more words. Okay, so यहाँ पर तो flock सिर्फ one word, so it's not a phrase. Okay, okay. अभी देखेंगे आगे वाली exercise. Complete this phrase on your own. ये मैंने खुद के तरीके से complete की, आप अपने तरीके से भी complete कर सकते हैं. Behind the house, the big loud noise. बराबर बड़ा बहुत लाउड नॉइस आवाज़. रिटर्निंग फ्रॉम द हॉलीडेज, हॉलीडेज से पीछे आना. बिकॉज ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन के लिए. विथ अ फुल ऑफ एनर्जी के साथ. एबल टू डू नथिंग ड्यू टू इलनेस, इलनेस की वजह से कुछ नहीं कर सकना. वॉकिंग थ्रू द रोड, रोड के ऊपर से चलना, थ्रू द रोड. सिंस लास्ट फोर ईयर्स, लास्ट फोर ईयर्स से. ओके, सो ये फ्रेज है. आप फ्रेज में कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स रखकर बना सकते हैं उसे. ओके, क्लोजेज. ओके, तो व्हाट्स अ क्लोजेज? अ क्लोजेज कंसिस्ट ऑफ अ लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज. ओके, सो यहाँ पर क्लोज है, इट्स अ बिगर आइडिया देन द फ्रेज. ओके, सो यहाँ पर क्लोज में क्या है? देर इज अ सम, देर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन फ्रेज, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज. ओके, बट इन क्लोज वी हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वी हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन क्लोज. ओके, सो द चीयरफुल गर्ल क्लैप्ड. सो यहाँ पर चीयरफुल गर्ल इज अ सब्जेक्ट एंड क्लैप्ड इज अ प्रेडिकेट. सो द नोटी नोटी मंकी स्वंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. नोटी मंकी, ओके, अदरवाइज मंकी इज अ सब्जेक्ट एंड स्वंग, ओके, इज अ पास्ट टेंस ऑफ स्विंग. पास्ट टेंस है स्विंग का. सो ये क्या है? प्रेडिकेट है. द ऑफिस इज क्लोज्ड. द फैमिली दैट बॉट अवर हाउस, फैमिली एंड द बॉट. फैमिली इज अ सब्जेक्ट एंड बॉट इज हियर इज अ प्रेडिकेट. दिस ग्रीन इज ब्राइटर. सो यहाँ पर ग्रीन क्या है? प्रेडिकेट है, सॉरी सब्जेक्ट है. एंड ब्राइटर इज हियर इज अ वर्ब. हर फेम स्प्रेड. सो यहाँ पर हर, सॉरी यहाँ पर फेम जो है वो सब्जेक्ट है, एंड स्प्रेड क्या है? प्रेडिकेट है या नाउ वर्ब है. ओके, सो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करना है और वर्ब पर क्या करना है? राउंड करना है. सॉरी मैंने दोनों पर अंडरलाइन कर दिया है, बट मैं आपको कंप्लीट बता दे रही हूँ. देखिए, द क्रैफ्टी कैट क्रैप क्लोजर टू द अनसस्पेक्टिंग स्पैरो. ओके, सो द क्रैफ्टी कैट इज द सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस इससे. ओके, और विदाउट दिस, विदाउट सब्जेक्ट कभी भी कोई भी क्लोज सेंस नहीं बना पाता. ओके, सो ये द क्रैफ्टी कैट जो है वो सब्जेक्ट है. ऑन और क्रैप ये एक्शन वर्ड है, सो ये वर्ब्स है. वो लीव्स इन द ग्रे हाउस अक्रॉस द ब्रिज. हु, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नेम मेंशन नहीं किया गया या पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ वो हमें रिलेटिव क्लोज के थ्रू बताया गया है. वो, ओके, सो यहाँ पर वो है और लीव्स जो है वो एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब है. माय अंकल ब्रॉट होम अ गोल्डन रिटायर वन डे. ओके, सो माय अंकल इज द सब्जेक्ट हियर एंड ब्रॉट एक्शन वर्ड है, सो वर्ब हियर. ओके, आगे देख लेते हैं. फ्रेज और क्लोज हमें मेंशन करना है अलग अलग. सो फर्स्ट इज द इन द हैवी डाउन पोर. सो यहाँ पर एक सिंगल शॉर्ट सा मैसेज है, बहुत ज़्यादा बारिश के अंदर. सो यहाँ पर प्रेडिकेट फ्रेज है ये. अ फेमस मॉन्यूमेंट, यहाँ पर सिर्फ कुछ वर्ड्स दिए जो सिंगल मैसेज कन्वे कर रहे हैं. यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है. ओके, सो ये फ्रेज है. आफ्टर ही कम्स होम, सो यहाँ पर ही इज अ सब्जेक्ट एंड कम्स इज अ प्रेडिकेट, सो यहाँ पर ये क्लोज है. She jogs every morning. So here she is a subject and jogs is a predicate. So ये भी एक close हुआ. Extremely glad. यहाँ पर कुछ कोई subject या कोई predicate mention नहीं किया गया. So here this is the extremely glad is a phrase. You are aware. So here you is a subject and are is a predicate. So here this is the make this make the complete sense close.
ओके. इसी तरह आगे के भी जो है वो फ्रेज और क्लोज में हमने कंप्लीट की. ओके, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोजेस. ओके, देर आर टू टाइप ऑफ क्लोजेज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. ओके, सम क्लोजेज आर इंडिपेंडेंट एंड स्टैंड अलोन एज सिंपल सेंटेंसेज. ओके, सम क्लोजेज आर इंडिपेंडेंट, वो अपना एक सेंस बनाते हैं, अपना एक मीनिंग बनाते हैं, अगर वो एक सिंपल सेंटेंस में भी हो. अदर्स आर डिपेंडेंट एंड आर पार्ट ऑफ द लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और दूसरे जो है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, वो कैसे होते हैं पता है? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक भाग होते हैं, एक एक पार्ट होते हैं, जो खुद का इंडिविजुअल कोई मीनिंग बना नहीं पाते. ओके, एंड इंडिपेंडेंट क्लोज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विच वर्क टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया. जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलके एक पर्टिकुलर आइडिया को कन्वे करते हैं हमारे लिए. ओके, इट मेक्स कंप्लीट सेंस टू अस विदाउट एनी नीड ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं चाहिए हमें उसके अंदर, सिर्फ वर्ब और क्लोज. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने देखा सी जॉग्स एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह जॉग करती है, बराबर. जॉग इज अ वन काइंड ऑफ स्पोर्ट, हेल्थ स्पोर्ट. ओके, तो ये एक कंप्लीट क्लोज हो गया. फिर द सेकंड थिंग इज देखिए, बिकॉज नथिंग हैपन्स विदाउट रीजन. ओके, सो नथिंग हियर इज अ सब्जेक्ट एंड हैपन इज अ प्रेडिकेट. सो यहाँ पर कंप्लीट है. बट ये जो बिकॉज वाला है ना, ये डिपेंडेंट क्लोज है. ओके, सो व्हाइल वी आर स्लीपिंग, ये भी डिपेंडेंट क्लोज में जाएगा. ओके, द आफ्टर ही कम्स होम, ये भी डिपेंडेंट क्लोज में है. क्योंकि क्या है यहाँ पर, क्या है, आफ्टर है, वाइल है, बिकॉज है, इट्स अ वन काइंड ऑफ कंजक्शंस. और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो उसमें हम थ्रू द कंजक्शंस क्लोज को ऐड करते हैं. ओके, द लियोपार्ड, यहाँ पर देख लेते, द लियोपार्ड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बिग कैट्स. ओके, सो द लियोपार्ड हियर इज अ सब्जेक्ट एंड बिलोंग्स हियर इज अ प्रेडिकेट. आई रीड एवरी नाइट एट बेड टाइम, मैं रोज रात को बेड टाइम पर क्या करता हूँ, रीड करता हूँ. सो हियर आई इज अ सब्जेक्ट एंड रीड इज अ प्रेडिकेट. सो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है जो हमें क्या कर रहा है, एक सेंस कन्वे कर रहा है. अ डिपेंडेंट क्लोज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया. सो इट्स व्हाइल इट रेन्ड हैवीली बिकॉज वी वॉच द फिल्म. मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम कंजक्शन से वर्ड सेंटेंस यूज स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट इज द Actually, independent clause. Okay, sorry, dependent clause. In the clauses above, we do not know what happened while it rained. यहाँ पर ये while it rained heavily because we watched the film. ये complete sense नहीं है. Because के लिए हमें reason चाहिए कि because क्यों लगाया गया है. While लगाया गया है तो simultaneously यहाँ पर कोई एक दूसरी भी चीज़ हुई होगी जब rain हो रहा है तब. Okay, so ये independent नहीं है, ये dependent है. Okay. In the clauses above, we do not know what happened while it rained or what happened because we watched the film. They are both dependent clauses. क्योंकि यहाँ पर while and because ये दोनों क्या है, conjunctions है, बराबर. और conjunctions है जो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये subordinate clause में जाएंगे. और dependent clause में ऐसा होता है कि through the conjunctions हम क्या करते हैं, तो sentence का एक अलग part में clause दे देते हैं. ओके, सो यहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेज मैंने लिखे हुए हैं. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेज इन दिस सेंटेंसेज, राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स. ओके, इफ द रेन स्टॉप्स आई शैल गो फॉर अ वॉक. सो इफ द, ओके, सो इफ द रेन स्टॉप्स आई शैल गो फॉर अ वॉक. सो इफ द रेन स्टॉप इट्स अ डिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, यहाँ पर ये दोनों जो है, इफ द रेन स्टॉप्स एंड आई शैल गो फॉर अ वॉक. सो यहाँ पर आई शैल गो फॉर अ वॉक इट्स अ कंप्लीट सेंस क्लोजेस. ओके, यहाँ पे हमें इस, अगर मैं आपको ऐसा बताऊँ कि आई शैल गो फॉर अ वॉक, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी मैंने आपको कि आई शैल गो फॉर अ वॉक, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ. ओके, इफ द रेन स्टॉप्स, ओके, अगर रेन स्टॉप होता है तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर कन्वे हुई नहीं है. सो ये डिपेंडेंट क्लोज है. द थीफ रेन अवे वेन ही शो द पॉलिसमैन, द थीफ रेन अवे, ओके, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है. ओके, एंड डिपेंडेंट क्लोज क्या है, वेन ही शो द पॉलिसमैन, वेन ही शो द पॉलिसमैन है, अब डिपेंडेंट क्लोज है. क्यों, बराबर, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है जब पुलिसमैन को देखा तो. हाँ, कुछ भी हो सकता है पुलिसमैन को देख कर, सडनली कोई भी दूसरी इंसिडेंट्स भी हो सकता है, बट इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लोज में है. सॉरी, थर्ड वन इज वी हेल्प द पीपल हु हैड सफर्ड इन अ रिसेंट फ्लड्स. ओके, सो वी हेल्प द पीपल,
इट्स अ मेक कंप्लीट सेंस. सो हियर इट इज द इंडिपेंडेंट क्लोज एंड हु हैड सफर्ड इन द रिसेंट क्लोज. आपको इंडिपेंडेंट क्लोज ढूंढना हो, डिपेंडेंट क्लोज ढूंढना हो, तो इसका सिंपल वे ये है कि आप क्या ढूंढिए, आप ढूंढिए कोई भी कंजक्शंस या तो फिर WH वर्ड वू विच वूज वूम. ओके, या तो फिर क्या ढूंढिएगा आप, या तो फिर आप कोई भी कंजक्शंस ढूंढ लीजिएगा. जैसा कि द बॉय हु लुक्स आफ्टर द शॉप इज फास्ट अस्लिप. सो द बॉय इज फास्ट अस्लिप. देखो द बॉय और इसका डिस्क्रिप्शन दिया है. बॉय कौन सा? हु लुक्स आफ्टर द शॉप. सो हु लुक आफ्टर द शॉप इज अ डिपेंडेंट क्लोज, बट द बॉय इज फास्ट अस्लिप. इट्स अ कंप्लीट सेंस कि जो लड़का फास्ट जल्दी से सो जाता है. ओके, I want to ask you a question before you go. So I want to ask you a question. It's a independent clause. And before you go, it's a dependent clause. I watch television when I am bored. I watch television. It's a complete sense. So here it's the independent clause. But when I am bored. So when I am bored, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. So it's not make a complete sense here. Not make a complete meaning here. So here it's a dependent clause. People once believed that the sun went round the earth. So, that the, यहाँ पर क्या है सेवेंथ में, that the sun went round the earth. It's a dependent clause. And people once believed, people एक time पर ये माना करते थे. Okay? He saw an accident as he was walking along the road. As he was walking along the road, it's a dependent clause. And he saw an accident. So, यहाँ पर आपको खुद को ये चीज़ समझनी होगी कि जहाँ पर सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होगा वो क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है. और इंडिपेंडेंट क्लोज एक कंप्लीट सेंस देता हुआ एक सेंटेंस है, वो एक पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होगा. यहाँ पर आप देखिए, पहले में आपको इफ कंजक्शन मिला, सेकंड में व्हेन कंजक्शन मिला, थर्ड में हु कंजक्शन मिला. ओके, फोर्थ में भी हु कंजक्शन मिला, फिफ्थ में आपको बिफोर मिला. ओके, सिक्स्थ में आई फाइंड व्हेन, सेवेंथ में आई फाइंड दैट, एंड एट्थ में आई फाइंड एज. सो दिस ऑल कंजक्शंस डिपार्ट द दिस सेंटेंस इन टू पार्ट, डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज. ओके, बट इसमें ये चीज़ है कि हमें खुद को डिसाइड करना है कि कौन सा कंप्लीट सेंस दे रहा है और कौन सा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. ओके, देखिए अब यहाँ पर ये आपको सिंपल ही करना है. क्या करना है? ए और बी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है. ओके, दोनों में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. देखो ए में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट क्लोज और बी में दिया हुआ है डिपेंडेंट क्लोज. ओके, ये PDF में मैं आपको भेज रही हूँ. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. ओके, और ये सब रिविज़न है, मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स ऑल द चैप्टर्स अबाउट द रिविज़न. ओके, सो यहाँ पर हम क्या सीखे, फ्रेज और क्लोज, और क्लोज में दो चीज़, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को किस तरीके से अलग अलग करेंगे? डिपेंडेंट जो है वो उसको हम थ्रू द कंजक्शंस इंडिपेंडेंट से अलग करेंगे. इंडिपेंडेंट एक कंप्लीट सेंस है जिसमें हमें एक सब्जेक्ट मिलता है, प्रेडिकेट मिलता है, और एक कंप्लीट सेंस एक मीनिंग मिलता है. ओके, जबकि डिपेंडेंट में भी ये चीज़ तो है, बट वहाँ पर हमें कोई भी एक कंजक्शन मिल जाता है जिससे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को अलग अलग बायफोकेट कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़.